पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 68वां गणतंत्र दिवस पूरे सद्भावना एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले द्वीपों के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेलुलर जेल उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्य समारोह ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां अंडमान निकोबार द्वीपों के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने तिरंगा फहराया और गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। अंडमान निकोबार द्वीपों के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए चुने हुए लोगों को उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस अवसर पर द्वीपवासियों को संबोधित करते हुए अंडमान निकोबार द्वीपों के उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम से आप द्वीपवासियों को संबोधित करते हुए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। ये द्वीप शहीदों और देशभक्तों की पुण्यस्थली है। परेड में भाग लिए सेना, पुलिस, एनसीसी और स्कूली बच्चों की टुकड़ी ने सबका मन मोह लिया। विभिन्न विभागों की झांकियां तथा स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। बड़ी संख्या में द्वीपवासी इस समारोह का हिस्सा बने।